हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा लुक से ही पता चल रहा होगा कि आज मैं नवरात्रि से रिलेटेड कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं डिफरेंट हेयर स्टाइल्स एंड बेसिकली डिफरेंट गरबा लुक शेयर करने वाली हूँ। तो हल्का सा मैंने मेकअप किया हुआ है, बेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ थोड़ा सा ब्लश एंड लिपस्टिक लगाई है और ये वाली बिंदी स्पेशली, जिससे गरबा लुक जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है एंड बिल्कुल गरबा अप्रोप्रिएट लगने लगता है। तो ये मैंने लगाया है और सॉरी, मैंने नेल पॉलिश नहीं लगाई क्योंकि मेरे नेल्स अच्छे नहीं हैं, तो उसको आप इग्नोर करना। और थोड़ी सी ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, तो ये जो है क्या बोलते हैं, एक बड़ा झुमका पहना है मैंने और हेयर को अपने ओपन रखा है, तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। एंड ये नोज़ पिन जो है, ये मेरा फेवरेट है, जितनी भी ज्वेलरी रहती है ना उन सब में मेरा फेवरेट है ये, तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं निकालने वाली नहीं हूँ, हर लुक मैं पहनूंगी मैं इसे। एंड ये ऑक्सीडाइज्ड रिंग एंड ये मैंने कड़े लिए हैं, और आप चाहो तो इस टाइप की कड़े भी पहन सकते हो, ये कॉरी शेल वाले जो रहते हैं वो, और इस टाइप के ये भी आप पहन सकते हो, इस टाइप के जो कड़े रहते हैं घुंघरू वाले, और भी बहुत सारे बैंगल्स ऐड कर सकते हो इस टाइप के। ये भी है मेरे पास, ये इसके साथ ही आया था, ये कॉम्बो है चार कड़ों का, और ये काफ़ी पहले लिया था मैंने। बट ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी जो है वो नवरात्रि में आप कभी भी पहन सकते हो, ऐसा नहीं कि आप रिपीट नहीं कर सकते। तो एक बार अगर अच्छी ज्वेलरी में आप इन्वेस्ट कर लोगे तो आप अच्छे से उसको रिपीट भी कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच करके बहुत सारे गरबा लुक क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी मेरी बहुत पहले की इयरिंग है, ये रिंग भी बहुत पहले की है, और क्या बोलते हैं, ये नोज़ रिंग तो इसके साथ ही आया था, ये कम्प्लीट पेयर था, बट इयरिंग मैंने अलग से लिया है। तो सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने एक गरबा लुक क्रिएट किया है। अब अलग लुक क्रिएट करने के लिए अगर मैं अपना हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लूँ एंड इयरिंग वगैरह ज्वेलरी वगैरह चेंज कर लूँ तो एक अलग गरबा लुक क्रिएट हो जाएगा। तो थोड़े बहुत चेंजेस करके आप डिफरेंट हेयर स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड मैं अभी इयरिंग चेंज करूँगी, ये वाली इयरिंग मैंने अभी रिसेंटली ली है, मैं दिखाती हूँ, एक स्टेटमेंट पीस है ये, काफ़ी सुंदर लगा मेरे को एंड बहुत लाइट वेट है। ये मैंने अपनी सिटी से ही लिया है, ऑनलाइन लिया हुआ नहीं है ये, एक सेकेंड, देखो ये वाला लुक देखो एंड ये वाला इयरिंग का लुक देखो, ये एकदम से क्या बोलेंगे, एलिवेट कर देगा आपके लुक को, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंचा देगा। तो मैं इस इयरिंग को यहाँ पे भी पहन रही हूँ, देखो ये इस टाइप से इयरिंग चेंज करने से पूरा लुक चेंज हो गया है। एंड आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो तो भी आपका लुक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बट मेरे को ये पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इसको आज पहनने ही वाली हूँ। एंड ये ऑनलाइन आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, एंड प्राइस भी इसका बहुत रिजनेबल रहता है, लाइक 200 इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। के जो चोकर होते हैं ना, एक सेकंड में दिखाती हूँ, जैसे ये है, इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो, लाइक आप चाहो तो इसको ऐसे एज हेड पीस पहन सकते हो, काफ़ी सुंदर लगेगा ये भी। एंड बिल्कुल जो वो रहता है ना, बोहो लुक आएगा एंड थोड़ा सा ट्राइबल लुक आएगा, काफ़ी सुंदर लगेगा। और आप चाहो तो
एस चोकर तो पहन ही सकते हो, पहन के दिखाती हूँ। एंड अगर आप चाहो तो एक और ज्वेलरी पीस जो है नेक पीस, उसको भी लेके आप वो कर सकते हो, लेयरिंग कर सकते हो, तो उससे काफ़ी हैवी लुक आएगा जैसे ये। की कलरफुल ईयरिंग भी आप पहन सकते हो, ये भी काफ़ी सुंदर लगती है एंड ये बहुत हैवी है, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ इसको पहनना। प्रैक्टिकली अगर आप गरबा में डांस कर रहे हो खूब सारा, तो आपको इस टाइप की हैवी ईयरिंग जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, एंड कंफर्टेबल जो ईयरिंग रहती है ना, लाइट वेटेड, उसको पहनना चाहिए। एंड आप लाइक हैंड फ्री भी रह सकते हो, अपने जो एक स्लिंग बैग रहता है ना, कलरफुल पॉम्पॉम वाले, थ्रेड वाले, कलरफुल मिरर वर्क वाले जो रहते हैं साइड स्लिंग बैग, उसको कैरी करोगे तो उसमें अपने मोबाइल एंड अपने जो भी एक्सेसरीज हैं, लिपस्टिक वगैरह थोड़ा बहुत, उन सब चीज़ों को कैरी करके आप हैंड फ्री रह सकते हो एंड लाइट ईयरिंग पहनोगे एंड बाल भी आपके बंधे हुए रहेंगे ना, तो बिल्कुल आप एकदम फ्री होके एंड कंफर्टेबल रह के गरबा इंजॉय कर सकते हो एंड खूब सारा गरबा कर सकते हो। तो ये एक टिप है अगर आप नवरात्रि में स्टाइलिश भी लगना चाहते हो एंड गरबा भी करना चाहते हो और इतनी गर्मी में कम्फर्टेबल भी रहना चाहते हो तो। सो मैंने बहुत सारे गरबा लुक शेयर किए एंड बहुत सारे ज्वेलरी हैक्स शेयर की, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करी, तो अभी देखते हैं थोड़े हेयर स्टाइल्स। तो मैंने सिंपली हेयर को ओपन रखा है एंड बीच में एक मांग टिक्का लगाया, तो ये है फर्स्ट हेयर स्टाइल। एंड सेकंड हेयर स्टाइल के लिए मैंने दोनों साइड से थोड़े थोड़े हेयर का सेक्शन लिया एंड हल्का सा ट्विस्ट करते हुए क्लिप से अटैच किया है एंड ये काफ़ी सुंदर लगते हैं, स्पेशली मांग टिक्का के साथ बहुत प्यारी लगती है ये वाली हेयर स्टाइल। और मेरे बाल जो हैं वो नेचुरली थोड़े से वेवी हैं, तो काफ़ी सुंदर लुक आता है इससे, इंडियन लुक आता है। और आप चाहो तो नीचे कर्ल्स कर सकते हो, सॉफ्ट कर्ल्स, वो भी अच्छे लगेंगे, स्ट्रेट बाल में भी अच्छे लगेंगे, बट इंडियन कपड़े पे थोड़े से वेवी हेयर या फिर सॉफ्ट कर्ल्स जो रहते हैं वो काफ़ी सुंदर लगते हैं एंड बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है वो अभी। तो ये इस स्टेप से मैंने कर लिया, ये सेकेंड हेयर स्टाइल है। सो थर्ड लुक के लिए मैंने अपना ईयरिंग चेंज किया है, बहुत ही स्टेटमेंट हैवी लुकिंग वाले ईयरिंग है ये, बट लाइट वेट है और स्टेटमेंट पीस है ये, तो काफ़ी सुंदर लगेगा एंड स्पेशली अगर आप बड़े ईयरिंग्स के साथ में ऐसे वन साइड कर लोगे अपने हेयर को, तो काफ़ी सुंदर लगेगा एंड सोफिस्टिकेटेड लुक आएगा और आपका ईयरिंग भी बहुत अच्छे से विजिबल होगा। तो ये है थर्ड हेयर स्टाइल, अपने सारे बालों को एक साइड रख सकते हैं एंड अगर आपके बड़े बाल हैं, लंबे बाल, तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा वो। नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए मैंने ईयरिंग फिर से चेंज करी है, क्योंकि हर ईयरिंग्स के साथ लुक अलग होता है एंड हेयर स्टाइल भी अलग ज़्यादा अच्छी लगती है, डिफरेंट हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये झुमका स्टाइल में मैंने ईयरिंग पहनी है एंड अपने बालों को ओपन कर लिया एंड पूरे बालों को ओपन करके वन साइड रख लिया है साइड पार्टीशन निकाल के। तो ये भी एक ओपन हेयर स्टाइल है, जो कि आपको कोई भी हेयर स्टाइल नहीं आती ना करनी, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं एंड बहुत अच्छी तरह से ग्रेसफुली इसको कैरी कर सकते हो एंड बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लगता है ये। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे साइड पार्टीशन एंड वन साइड अपने बालों को रखना, लाइक एक साइड ज़्यादा बालों को रखना है एंड एक साइड थोड़े कम बाल रहे हैं, इस टाइप से साइड पार्टीशन करके। तो ये है नेक्स्ट हेयर स्टाइल। सो फॉर द नेक्स्ट हेयर स्टाइल मैंने अपनी ईयरिंग फिर से चेंज कर लिया है एंड ये बहुत ही लाइट वेट ईयरिंग है, जो मैंने आपको पहले दिखाया भी वीडियो के शुरुआत में। ये मेरा रिसेंट परचेज है, दोनों ईयर्स पे पहन लिया मैंने एंड ये साइड पार्टीशन के साथ भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट अगर आप इसको एक साइड इस टाइप से क्लिप कर लोगे ना, तो ये और ज़्यादा सुंदर लगेगा एंड आपके लुक को एलिवेट करेगा। तो ये हेयर स्टाइल मेरी पर्सनल फेवरेट है, मैं काफ़ी टाइम बनाती हूँ ये वाली हेयर स्टाइल।
इस स्टेप से आप एकदम हाई पोनी भी बना सकते हो, ये भी काफ़ी सुंदर एंड कर्लिश लुक लगेगा एंड कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा रहोगे आप गरबा में। एंड गर्मी और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि आप इस स्टेप से अगर पोनी बनाओगे या फिर क्या बोलते हैं इसी को आप ऐसा बन टाइप को बना लोगे ना, एक मैसी बन बना लोगे तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाले हो और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगने वाले हो। मैंने अभी यहाँ पे पिन वगैरह लेके नहीं बैठा है तो मैंने इसे ऐसे ही रफली बना के दिखाया है, बाकी इससे पहले मैंने कई बार वीडियो शूट कर रखी है। हाँ बेटा, तो मैंने अभी यहाँ पे पिन वगैरह लेके नहीं बैठा है तो मैंने आपको रफली ऐसे बना के दिखाया है, अगर आप मैसी बन बनाओगे एंड इस टाइप से थोड़े बहुत बाल निकाल लोगे। हाँ क्या हुआ, तो इस टाइप से आप अगर मैसी बन बनाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड स्टाइलिश लगेगा एंड कम्फर्टेबल रहेगा स्पेशली। और यहाँ से बाल थोड़े कम हो गए मेरे, और क्या बोलते हैं मैंने बहुत बार शेयर कर रखा है बन बनाने के तरीके, हेयर स्टाइल का मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है तो आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। और अगर गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप सिंपली ओपन रखो अपने बालों को, वो भी काफ़ी सुंदर एंड यंग लुक देगा आपको। और या फिर आप ब्रेडेड हेयर स्टाइल भी बना सकते हो, काफ़ी सुंदर लगता है वो एंड बहुत ज़्यादा इन है अभी, लाइक ट्रेडिशनल कपड़े पे एंड ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स पे पूजा पे आप अगर ब्रेडेड हेयर स्टाइल बनाओगे ना तो काफ़ी सुंदर एंड कूल लगता है। सो ये है कुछ गरबा नवरात्रि लुक एंड हेयर स्टाइल एंड ये है मेरा एक्चुअल गरबा का लुक जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड हैप्पी नवरात्रि।